इन दी नेम ऑफ़ अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल एंड बेनिफिशेंट आई एम डॉक्टर मोहम्मद सत्तार अहमद रायकू सलहरी एंड आ वेटनेरियन बाई द प्रोफेशन वेलकम इन टू माई यूट्यूब चैनल पैट एंड वेट आप सबको अपने चैनल में मैं खुश अवीद कहता हूँ आपका तह दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आप देखते हैं मेरे चैनल को बड़ा प्यार देते हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं तो आज की जो वीडियो है गाय भैंस भेड़ बकरी में जो प्रोलेप्स है पीछा दिखाना फूल दिखाना ये जो प्रोलैप्स है इट कैन इन्वॉल्व वेरियस पार्ट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड डाइजेस्टिव ट्रैक और हर एक का जो है वो काज डिस्पोजिंग फैक्टर जो है वो मुख्तलिफ है जैसे वेजाइनल या सर्वाइकल प्रोलेप्स है इसमें जेनेटिक फैक्टर है इनक्रीज इंट्रापिडोमिनल प्रेशर जो है इसकी वजह से ये फूल दिखा सकती हैं जिस तरह ये देखें या हारमोनल इम्बेलेंस प्रीवियस ट्रामा या इंजरी टू द टिश्यू और द मसल ऑफ दी वेजाइनल एरिया इसमें रिस्क हो सकता है या इम प्रॉपर असिस्टेंस ड्यूरिंग काविंग फोर्सफुल या इम प्रॉपर पुलिंग ड्यूरिंग डिस्टोकिया ये लीड कर सकता है टू टिश्यू डैमेज एंड सब्सिक्वेंट प्रोलैप्स नंबर टू पे है रेक्टल प्रोलैप्स, जिसको मकद का जिसको हम टोंड्री दिखाना भी कहते हैं इंक्रीज्ड इंट्रा एबडोमिनल प्रेशर की वजह से ये कंडीशन देखने में आती है या क्रोनिंग पुरानी अगर खांसी हो शदीद कब्ज हो या यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो पेशाब की रुकावट हो या प्रीवियस ट्रामा या इंजरी डूरिंग काविंग या ट्रामा कैन डिस्पोज रेक्टल प्रोलैप्स, सवियर डारिया, ये भी कैन लीड टू स्ट्रेनिंग एंड इनक्रीज रिस्क ऑफ प्रोलैप्स, अंडरलाइंग गैस्ट्रो इंटस्ट डिजीज साच रेक्टल सट्रिक्चर्स या ट्यूमर्स इसमें भी जनवर पीछा दिखाता है कुछ रेस्पिरेटरी कंडीशन है जैसे क्रॉनिक कफिंग है फ्राम कंडीशन लाइक लंगज इन्फेक्शन इसके अंदर भी जानवर जो है वह रेक्टल प्रोलेप्स दिखाता है नंबर थर्ड जो है यूटराइन प्रोलेप्स इसमें क्या होता है ये डिस्टोकिया डिफिकल्ट बर्थ ये भी सब बन सकती है इंक्रीज सुट्रेनिंग एंड रिस्क ऑफ यूटराइन प्रोलेप्स या फिर रटेन्ड पलिसेंटा जेर का रुक जाना कंटिन्यूड स्ट्रेनिंग आफ्टर काविंग ड्यू टू रिटेन पलेंसे्ट जो है उसमें भी इसके रिस्क बढ़ जाते हैं या फिर हाइपो कैलसीमियम फीवर रड्यूस मसल टॉन एसोसिएटेड विद लो ब्लड कैल्शियम जो कि प्री डिस्पोज करता है ट्राइन प्रोलेप्स या फिर फोर्सफुल काविंग एसिस्टेंस आपने बिला वजा स्पेशली इफ डन इम प्रॉपरली विशाज बच्चे को खींचा इन डिस्टोकिया या फिर टवीन या लॉर्ज साइज ऑफ़ द फीटस इन केस ऑफ डिस्टोकिया बच्चा बहुत बड़ा था या दो बच्चे थे उसमें भी है रैपड एक्सपर्शन ऑफ़ द फीटस समज़ल्ट इन द रेपड डिलीवरी जो कि बाद में यूट्राइन प्रोलेब्स का सबब जो है वो हो सकती है या फिर प्रीवियस यूट्राइन प्रोलैप्स को डेट हैड आ यूट्राइन प्रोलैप्स आर एट हाई रिस्क ऑफ काविंग ये सारे के सारा जो है ऑफ द प्रोलैप्स इसके अंदर अर्ली डिटेक्शन एंड अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन जो है ये क्रूशल अहमियत रखता है इफ़ प्रोलैप्स इज़ सस्पेक्टेड इट इज़ एसेंशियल टू कीप द एनिमल कॉम एंड रिड्यूस एनी फर्दर स्ट्रेनिंग एंड क्लिनस सफ़ाई सुथराई जो है वह बहुत ही अहमियत की हमल है जिस तरह ये देखें कोई भी इंटरवेंशन करने से पहले आपने जो वेजाइनल फोल्ड है लेबियल फोल्ड जो है प्रियल एरिया आपने इसको अच्छी तरह किसी भी एंटीसेप्टिक लोशन से साफ करना है अच्छी तरह लुब्रिकेंट लेना है ताकि अंदर जो है कंटेमिनेशन जो है वो ना हो अंदर आपने देखना है अब ये जो भैंस है आज इसको फोर्टीन डेज आफ्टर काविंग बच्चा देने के आज बच्चा देने के बाद चौदह दिन हो गए हैं तो पर्प्रल जो मेट्राइटस है या बायोमेट्रा है ये सारे के सारा आप देखेंगे चौदह दिन हो गए हैं हालांकि जानवर को पीछा नहीं दिखाना चाहिए लेकिन ड्यू टू इन्फेक्शन इन यूटरस जब यूटरस इन्फेक्शन होगी तो जानवर जो जा है पीछा दिखाएगा गंदा मवाद फेंकेगा और उसमें से बड़ी गंदी स्मेल आएगी जो डिस्चार्ज आता है या वो वाइटिश है येलोइश है या, या ब्राउनिश टेंज्ड विद ब्लड खून आलूद हो और उसमें स्मेल आए तो आप समझ जाएंगे कि जानवर जो जा है इसकी जो यूट्रस है वो कोई पुरानी इसको इन्फेक्शन हो गई है जिस मैंने पहले आपको बताया उसमें से क्यों ये एक फैक्टर हो सकता है तो अच्छी तरह वाश करने के बाद ए आई राड जो है ये देखिए मैंने फ़िक्स किया है पहले आप जो है इंट्रा यूट्राइन इन्फ्यूजन जो है वो इसको मैं देख रहा दे रहा हूँ और साथ में इसके अच्छे रिज़ल्ट के लिए इंट्रामस्कुलर एंटीबायोटिक सेफ्टी जो है वो थ्री टू फाइव डेज देंगे एनलजैजिक देंगे एंटीस्टामिन देंगे मल्टी विटामिन मिनरल मिक्सचर का इस्तेमाल जो है औरल देंगे बहुत शुक्रिया अल्लाम वरहमल्ला अपना ख्याल रखिएगा